गुड इवनिंग सभी को, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए फिर एनटीपीसी वॉल्यूम 3 का जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, वॉल्यूम 2 तक तो आपने देखा, वॉल्यूम 3 का रीजनिंग का वीडियो डिस्कशन हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं गौरव गिरिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो मैं आपके सेट नंबर 1 का वीडियो बन चुका है, ये आपका सेट नंबर 2 है, ठीक है। वॉल्यूम 3 रीजनिंग सेट नंबर 2 जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, है ना। तो चलिए जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कृतिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। तो कृतिका क्या करती है? दक्षिण की तरफ 40 मीटर चलती है। कृतिका क्या करती है? दक्षिण की तरफ 40 मीटर, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चलती है। फिर वो क्या करती है? अपने दाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चलती है। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ करके 50 चलती है। तो बाईं ओर मुड़ी और कितनी चली? वो 50 मीटर चली। फिर कहता है वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चली। पुनः वो बाईं ओर मुड़ी और वह 30 मीटर चली। तो कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी मीटर पर है। तो आप बताइए कि प्रारंभिक स्थान की अगर बात करें तो प्रारंभिक स्थान तो ये रहा। अब यहां से इसकी दूरी कितनी? तो 40 तो ये ऑलरेडी है, यहां से यहां तक कितना है? 40। अब यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? ये 50 है तो 50 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 90 मीटर आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन आपका क्या चला गया? डी नंबर। ऑप्शन क्या चला गया? तो डी नंबर चला गया। क्लियर है? तो पहला रीजनिंग का सवाल आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल पे आते हैं, 4 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 4 नंबर कह रहा है, देखिए 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन कह रहा है कि कोई पर्स कपड़ा नहीं है। मान लो कि ये जो है आपका पर्स दिया हुआ है, ठीक है। अब कोई भी पर्स जो है वो कपड़ा नहीं है, कोई पर्स कपड़ा नहीं है, और सभी पर्स जो है वो चमड़ा है। अब सभी पर्स क्या हो गया? चमड़ा। अब डायग्राम तो मैंने बना लिया। अब कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन कौन सा सही होगा? तो कंक्लूजन कह रहा है पहला कि कोई चमड़ा कपड़ा नहीं है। तो कोई चमड़ा कपड़ा नहीं है ना, तो गलत हो जाएगा। सर कैसे समझाइए? देखिए इसका निगेटिव किसके साथ दिया हुआ है? तो इसका निगेटिव इसके साथ है 100%। लेकिन यह कह रहा है कोई भी चमड़ा कपड़ा नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये सारा जो चमड़ा है, ये सारे जितने भी चमड़े हैं वो तो कपड़ा हो सकते हैं ना। तो ये कह रहा है नहीं, कोई भी चमड़ा कपड़ा नहीं है, मतलब ये कंफर्म नहीं कह रहा है। तो पहला गलत। दूसरा, कुछ चमड़ा कपड़ा है। तो कुछ चमड़ा कपड़ा है, बताइए कि दोनों अलग अलग है कि नहीं है? जब दोनों अलग अलग हो तो पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं होता। तीसरा कि कुछ चमड़ा पर्स है, ये बिल्कुल सही होगा कि क्योंकि ये चमड़ा है और ये पर्स है। तो ये जो पर्स है ये चमड़ा भी है, आपको पता है, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ चमड़ा पर्स है। लेकिन एक चीज तो पता है आपको कि तीसरा तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन जरा सा ध्यान देने वाली बातें हैं कि यहां पर देखिए तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। जब सैलोलिज्म में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी 2 निष्कर्षों में समान हो तो आइदर होने की संभावनाएं होती है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहला रूल कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, जो कि है। दूसरा रूल होना चाहिए कि दोनों के दोनों रॉन्ग होने चाहिए, तो यहां पर भी दोनों के दोनों रॉन्ग है। तीसरा रूल कि एक पॉजिटिव तो चलो ये पॉजिटिव है, और एक निगेटिव तो चलो ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव, और लास्ट में मिला लीजिएगा कि कुछ के साथ क्या दिया हुआ है? कोई नहीं। इसका मतलब कि पहले और तीसरे में आइदर होगा। क्या हो जाएगा? आइदर हो जाएगा, पहले तीसरे में आइदर। तो इसका आंसर जाएगा कि केवल 3 और या तो 1 या 2 निष्कर्ष सही है। मतलब कि ऑप्शन क्या चला जाएगा? बी नंबर। तो 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? तो इस दोनों में आइदर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल। 4 के बाद रीजनिंग के जो सवाल हैं वो 6 नंबर है। 6 नंबर में वही दिया हुआ है कि कुछ जंगली जो है वो मांसाहारी है। मान लो जैसे जंगली हो गया, अब कुछ जंगली जो है वो मांसाहारी है। फिर कह रहा है सभी जंगली शेर है। अब सभी जंगली जो है वो क्या है? शेर। आप देख रहे हैं कि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तीनों
एक दूसरे से आपको कनेक्टेड दिख रहा हो। पहला कह रहा है कि सभी मांसाहारी शेर है। अच्छा बताइए, मांसाहारी ये रहा और शेर ये रहा, क्या सभी के सभी मांसाहारी शेर है? तो नहीं, सिर्फ इतने ही मांसाहारी हैं जो कि शेर है। तो आप क्या कहिएगा कि कुछ मांसाहारी शेर है, लेकिन ये क्या कह दिया सभी मांसाहारी शेर है, मतलब कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ शेर मांसाहारी है, तो ये तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये जो शेर है ये मांसाहारी भी है, तो कुछ शेर मांसाहारी है, बिल्कुल सही। तो क्या कहिएगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है, 6 का आंसर बी हो जाएगा। 6 का आंसर बी, क्लियर है। चलिए 6 के बाद 7वें नंबर सवाल, 6 के बाद अगला सवाल जो है रीजनिंग का, वो आपका है ये, देखिए क्या कह रहा है आपको। कह रहा है कि यहां पर कौन सा सिंबल भरा जाए। तो सबसे पहले ए नंबर को देखो, अब ये डिवाइड कहां के, पहले कह रहा है कि अब ए बी और सी में देखिए डिवाइड वो पहले रख रहा है, तो 9 से तो कट जाएगा, और डी में डिवाइड बीच में रख रहा है, डिवाइड के बगल में मल्टीप्लाई, तो 9/18 मतलब आधा हो जाएगा, तो कंफर्म वैल्यू 12 तो नहीं आ सकता है ना, इक्वल टू बीच में डाल रहा है। अब देखना है कि ये दोनों में क्या होगा, तो ए नंबर में देखते हैं तो 27/9 होगा और प्लस 18 इक्वल टू 27/9 प्लस 18 इज इक्वल टू 24 और प्लस 12। चेक कीजिए कि ये आंसर होगा कि नहीं होगा, तो इसका वैल्यू कितना 24/12 = 36, यहां पर 18 3 = 21, मतलब कि ए नंबर आंसर नहीं होगा। बी नंबर चेक करते हैं, तो बी नंबर चेक करते हैं तो 27/9 × 18 इज इक्वल टू नहीं है, यहां पर क्या दिया हुआ है, तो यहां पर इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है लेस देन 24 + 12। तो यहां का वैल्यू देखिए तो क्या हो जाएगा, 27/9 = 3 = 18 = 54, तो ये छोटा नहीं जबकि बड़ा है, तो बी भी नहीं होगा, मतलब कंफर्म सी होगा। चेक कर देता हूं मैं, 27/9 × 18 > 24 + 12, मतलब ये ऑप्शन 100% फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि 3 × 18 = 54 और इधर हुआ 36, तो 36 से तो बड़ा है ना, 36 से बड़ा 54 है, मतलब कि 10 का जो आंसर चला जाएगा वो सी चला जाएगा, 10 का ऑप्शन सी चला जाएगा। क्लियर है, चलिए फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल पर देखिए यहां क्या किया गया, यहां से अगर बात करते हैं तो क्या किया गया, पहले 7 + 4 किया है, 7 × 4 = 11 × 3 + 5 किया गया = 88 आ गया, मतलब 7 × 4 = 11 × 5 = 3 = 8 = 11 × 8 = 88। फिर आते हैं दूसरे की बात करते हैं, तो 5 + 8 = 13 × 2 + 6, तो मतलब 13 × 8 कितना 104 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब हमको आंसर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहां से आइए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 + 3 = 8 × 8 + 7 = 15 = 120, मतलब कि ऑप्शन डी। तो बताइए कि 13 का ऑप्शन क्या चला जाएगा, डी नंबर, मतलब कि आमने सामने वाले को जोड़ करके जो वैल्यू आ रहा है उसको गुना कर रहा है, तो जैसे कि 5 × 3 = 8 और 7 × 4 = 11, 11 × 8 = 88, 6 × 2 = 8 5 × 8 = 13, 13 × 8 = 104, 8 × 7 = 15 5 × 3 = 8 15 × 8 = 120, आपके आंसर हो गए। क्लियर है ये, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो इसका एक शॉर्ट रूल होता है कि अल्टरनेट सरफेस जो होता है ना वो आपस में अपोजिट होता है, क्या होता है अल्टरनेट, जैसे कि 2 और 4 क्या है अल्टरनेट है, 2 का अल्टरनेट क्या है 4,
इसका मतलब दो और चार जो होगा वो विपरीत पे होगा। फिर छह का अल्टरनेट तीन है, मतलब छह और तीन विपरीत होगा। तो जब दो अपोजिट पेयर निकल जाता है तो तीसरा जो बच गया, तो बच कौन गया, एक और पांच विपरीत होगा। मतलब ये सारे के सारे क्या है, विपरीत पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विपरीत पे होना चाहिए। अच्छा बताइए कि जो विपरीत होना चाहिए डाइस में वो कभी भी पड़ोसी हो सकता है, नहीं। तो अब देखिए कि कहीं अगर दो या चार अगर साथ में दिख रहा है, आपको पता है दो चार विपरीत में होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। यहां देखिए दो चार क्या दे दिया है, साथ में दे दिया, मतलब बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। छह और तीन अपोजिट पे होना चाहिए, लेकिन यहां देख लीजिए छह तीन साथ में दे दिया है तो डी भी नहीं होगा। अब एक पांच क्या दे दिया है, साथ में, जबकि विपरीत होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्यों, क्योंकि देखिए एक यहां से लिया है, एक यहां से लिया है और एक यहां से, तीनों पेयर में से अगर एक एक लिया है तो वो डाइस बिल्कुल बनता है। तो जब भी कोई डाइस फोल्ड करने वाला है तो याद रखिएगा कि अल्टरनेट एक साथ नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो विपरीत होते हैं। तो दो चार एक साथ नहीं होना चाहिए और छह तीन एक साथ नहीं होना चाहिए और एक पांच एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो आप फोल्ड करके नहीं बना सकते। इसका मतलब 15 का जो आंसर चला जाएगा वो सी चला जाएगा। 15 का आंसर सी। क्लियर है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहे ये फिगर किसमें दिख रहा है, तो सबसे पहले ये भी देखने की कोशिश करो, भी देखने की कोशिश करो। तो भी किसमें किसमें नहीं है, तो चलो भी जो है आपको यहां पर दिख रहा है, भी दिख रहा है, लेकिन ये सटा दिया है, सटना तो नहीं चाहिए। ये कहां पे होना चाहिए, आधा पर होना चाहिए, मतलब ये गैप होना चाहिए, तो ए नंबर नहीं होगा। अब इसमें भी चलो दिख रहा है, लेकिन भी दिख रहा है तो आपको ऐसा ही फिगर दिखेगा कहीं पर भी, तो बी भी नहीं होगा। और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि भी दिख ही नहीं रहा है उसमें। लेकिन यहां की अगर बात की जाए तो ध्यान से देखो, सेम फिगर दिख रहा होगा। क्या सेम फिगर दिख रहा है, दिख रहा है, तो आंसर क्या चला जाएगा, सी। तो बताइए कि 16 का आंसर क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। क्लियर, तो ये सेम आकृति किसमें दिख रहा है, सी में दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। डन, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है पुनीत एक स्त्री से कहता है, पुनीत किससे कहता है, एक स्त्री से कहता है कि तुम्हारे पिताजी की पत्नी, मतलब तुम्हारे मां, पुनीत किससे, स्त्री से कहता है कि स्त्री के पिताजी की पत्नी, मतलब स्त्री की मां की बहन, मतलब मौसी मेरी बुआ है। अब मतलब कि पुनीत एक स्त्री के बारे में क्या कहता है कि स्त्री की जो मौसी होगी, थी स्त्री के पिताजी की पत्नी, मतलब मां की बहन, मौसी मतलब कि स्त्री की मौसी मेरी बुआ है। तो वह स्त्री पुनीत से कैसे संबंधित है, तो कैसे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, मौसेरी बहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौसेरी बहन हो जाएगा। तो 18 का आंसर डी हो जाएगा, 18 का आंसर डी। ये सब क्वेश्चंस को डायरेक्ट बनाइए। क्लियर सी बात है कि तुम्हारे का मतलब क्या हो गया, तुम्हारे किसके लिए यूज हो रहा है, स्त्री के लिए, स्त्री के पिताजी की पत्नी, तो पिताजी की पत्नी मां हो गई। अब मां की बहन मतलब की मौसी, अब उसकी बुआ है, उसकी कौन है, बुआ, मतलब की मौसेरी बहन होगी। चलो फिर उसके बाद लिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से देखिए, यदि पंचांग का संबंध तिथि से, तो पंचांग में क्या देखते हैं हम लोग, पंचांग में क्या होती है, तिथियां होती है, तो सूची में क्या होगा, सूची में क्या हो जाएगा, लेखक का नाम गलत, शब्दावली गलत, शब्दावली कहां होती है, सारांश गलत, हाँ विषय वस्तु, जब सूची बनाते हैं हम लोग तो उसमें विषय वस्तु डालते हैं, टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 21 का जो आंसर होगा वो सी चला जाएगा, विषय वस्तु। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, इसको जब भी बनाए, अल्फाबेटिकल सीरीज को जब भी बनाए, पहले इसको काउंट कर लो है कितना, 3 × 1 = 4, 4 × 6 = 10, 4 × 14 और 15 16 17 18 19 20, ये टोटल है कितने, 20, ये टोटल कितने हैं, 20। तो 20 को कैसे बांट सकते हैं आप, 4 में बांट सकते हैं या 5 में बांट सकते हैं, तो 4 में या 5 में, ज्यादातर केस में 5 में होता है या 4 में, तो हम 5 में बांट देते हैं, 3 2, मान लो कि ए,
डैश बी सी डैश ए डैश बी सी डी ए बी सी डैश डी ए डैश सी डी और फिर डैश। अब इसको हम लोग करते क्या है ना कि पांच पांच में मान लो बांट देते हैं, चार एक पांच, फिर दो दो चार एक पांच, फिर दो दो चार एक पांच और फिर तीन दो पांच। अब देखिए, अब ए है यहां पर तो ए भी यहां पर भी है, अब ए के बाद क्या था? तो इसमें ग्रुप क्या बन रहा है कि ए को पहले डबल कर रहा है, डबल ए बी सी डी, फिर ए को छोड़ दिया, फिर बी को डबल किया, पहले ए को डबल किया, ए बी सी डी ही है लेकिन ए को डबल किया बी सी डी, फिर ए तो ऑलरेडी ए तो ऑलरेडी हो गया डबल, अब ए डबल बी सी डी, अब ए बी डबल सी डी, फिर ए बी सी डबल डी, मतलब कि आपका ऑप्शन हो गया ए डी बी सी बी डी। तो ए डी बी सी बी डी, तो ए डी बी सी बी डी का मतलब हो गया 23 का ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, तो चार चार के ग्रुप में या पांच पांच के ग्रुप में, और ऑप्शन से भी देखना है, पहला लेटर ज्यादातर क्या दे रहा है ए, तो यहां पर ए ही होना चाहिए। चलो अगला सवाल, एक विशिष्ट कोष्ट भाषा में रेन को क्या लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, रेन को लिखा जा रहा है ओ एच बी और क्यू, तो ध्यान दीजिए क्या किया जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताइए कि समर को क्या लिखा जाएगा, तो समर को क्या लिखा जाएगा, देखिएगा इसको लास्ट से कनेक्ट किया है, मतलब कि माइनस वन फिर प्लस वन फिर माइनस वन प्लस वन, तो आपको भी क्या करना है, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे, मतलब माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन और प्लस वन कर देना है। ठीक है, तो r प्लस वन क्या हो जाएगा, s i माइनस वन d, m माइनस वन l, सॉरी m प्लस वन ना होगा जी, ठीक है चलो, तो क्या हो जाएगा r प्लस वन s माइनस वन, m के बाद n और m से एक छोटा l, u प्लस वन v और s माइनस वन r, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा s d n l s d n l v r, ऑप्शन से d। तो बताइए कि 24 का आंसर क्या चला जाएगा, d चला जाएगा, 24 का आंसर डी, क्लियर है, चलो फिर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं 26 नंबर, 26 नंबर में देखिए, अनुक्रम को पूरा करेगा, सी से देखिए आई, मतलब सी ई जी है, फिर है आई के एम है, फिर है ओ क्यू एस है, तो अगला टर्म क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि अगला टर्म क्या होगा, देखिए सी से आई प्लस छ प्लस छ प्लस छ, मतलब यू तो होगा, अब देखिए अल्टरनेट सीरीज है यहां पर, सी से प्लस दो प्लस दो, फिर देखिए प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो, तो आपको भी क्या करने हैं, प्लस दो कर देने हैं, तो क्या हो जाएगा U W और Y, U W Y आपका आंसर हो जाएगा A नंबर, U W Y का मतलब 26 का जो आंसर होगा वो A चला जाएगा, तो आंसर आप लोग मिलाते भी जाइएगा और जो भी पॉइंट लिखने की जरूरत पड़े उसको लिखते भी जाइएगा। ठीक है, तो 26 नंबर क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था। 27 नंबर में देखिए, 27 नंबर, दी गई आकृति में कितने लोग इटालियन भाषा तथा फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, तो इटालियन तथा फ्रांसीसी, अब इटालियन भाषा क्या है, दी गई आकृति में कितने लोग इटालियन तथा फ्रांसीसी भाषा, अच्छा बताइए इटालियन का मतलब ये हुआ और फ्रांसीसी का मतलब ये हुआ,
मतलब कितने इतने पार्ट कॉमन आ रहा है, मतलब कि 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 21, कितने लोग हो गए, 21 लोग हो गए। क्योंकि देखिए इटालियन भाषा का मतलब ये और फ्रांसीसी भाषा का मतलब, तो कितने लोग इटालियन और फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कहा है कि इटालियन और भाषा तथा फ्रांसीसी बोलता हो लेकिन जर्मन नहीं, तो हम 16 को भी काउंट करेंगे। हाँ, अगर यही रहता दी गई आकृति में कितने लोग केवल इटालियन भाषा तथा फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, तब 16 को छांट देते क्योंकि केवल लगा दिया, लेकिन अभी सिंपली बोला है तो दोनों को जोड़ करके आंसर करेंगे, 7 का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए इस सवाल को आप डायरेक्ट बनाओ, कह रहा बट का भी प्राय क्या होगा, तो बट यहां पर है, बट कहां पे, यहां पे, और बट कहां पे है, यहां। अब दोनों में क्या मैच कर रहा है, सिर्फ बट मैच कर रहा है, इसमें भी सिर्फ बट मैच कर रहा है और इसमें भी सिर्फ बट मैच कर रहा है, तो इस दोनों में जरूर एक कोड मैच कर रहा हो। तो HSM नहीं है, सेन है, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, सेन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहां पे, सेन दिया हुआ है ना। तो यहां पर थे, चलिए तो क्या हो जाएगा, सेन। तो बट कॉमन है सिर्फ, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेन। डायरेक्ट देख करके आंसर किया कीजिए, तो 57 का आंसर क्या चला जाएगा, ए नंबर। 57 का आंसर ए चला जाएगा, ठीक है, 57 का आंसर ए। फिर आइए, चलिए कह रहा है ए बी सी डी ई, मतलब कि पांच लोग दोस्त हैं, वे अलग अलग कारों का उपयोग करते हैं जैसे कि मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, वॉल्वो, रेंज रोवर और ऑडी। इन कारों के रंग नीले, सफेद, काले, लाल और हरे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ए के पास ऑडी है, अब पांच लोग हैं ए बी सी डी ई। चलो मैं कोशिश करता हूं कि यही बना दूं, ए बी सी डी और ई। चलिए पर ये क्या कह रहा है, ए के पास ऑडी है लेकिन यह हरी नहीं है, तो ए के पास कौन सी कार है, ऑडी कार है। ए के पास ऑडी कार है लेकिन ए के पास हरी नहीं है, याद रखिएगा कि यहां पे हरा नहीं होगा, ये लाइन कंप्लीट। बी के पास लाल रंग की रेंज रोवर है, अब बी के पास क्या है, लाल रंग की रेंज रोवर है, क्या है, रेंज रोवर है, जो कंफर्म दे रहा है उसको बैठाते चलिए, हो गया। सी के पास नीली कार है लेकिन मर्सिडीज नहीं है, अब सी के पास क्या है, नीली कार है, लेकिन याद रखिएगा कि मर्सिडीज कार नहीं है उसके पास, मर्सिडीज कार नहीं है। अब ई के पास एक काली कार है जो ना तो बीएमडब्ल्यू है और ना ही वॉल्वो है, अब याद रखिए कि ई के पास एक काली कार है, तो ई के पास कौन सी कार है, काली कार है। अब जरा ध्यान दीजिए कि हरा जब यहां नहीं होगा तो हरा कहां हो जाएगा, यहां पे। अब एक रंग कौन बचा हुआ है तो वो बताइए, तो सफेद बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, सफेद, मतलब रंग का तो क्लियर हो गया। अब जरा ये देखिए कि ई के पास एक काली कार है जो ना बीएमडब्ल्यू है और ना ही वॉल्वो है, तो अब ई के पास ध्यान दीजिए बीएमडब्ल्यू नहीं है और वॉल्वो नहीं है, तो ई के पास क्या हो सकता है, तो ना ही उसके पास बीएमडब्ल्यू है और ना ही वॉल्वो, तो ऑडी और रेंज ओवर भी तो नहीं होगा, तो यानी कि फिक्स है कि उसके पास मर्सिडीज है, क्या है उसके पास, मर्सिडीज है, उसके पास क्या है, मर्सिडीज है। अब कह रहा है जिनके पास हरी कारें हैं वो बीएमडब्ल्यू का उपयोग करते हैं, अब जिसके पास हरी कार है वो क्या करता है, तो बीएमडब्ल्यू का उपयोग करता है, तो अब एक बच कौन गया है, वॉल्वो बच गई है, तो यहां पे वॉल्वो हो जाएगा, हो गया बस। तो कह रहा है कि सी के पास, तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि सी के पास निम्नलिखित में से कौन सी कार है, तो सी के पास कौन सी कार है, वॉल्वो कार है, सी के पास वॉल्वो कार है, मतलब कि ए नंबर आंसर। तो बताइए कि 60 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
समझ में आया? आसान सा सवाल था, बन गया। लिख लीजिए जल्दी से फास्ट आप लोग। चलिए लिख लिए, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर की बात करते हैं, देखिएगा देखिएगा 5 at the rate 29 का अर्थ 32 कैसे दिया हुआ है? तो 5 + 29 मतलब कि 34, माइनस 2 किया है तो 32 आ गया है। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। 41 at the rate 78 कैसे किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, तो 41 + 78 माइनस 2 करने पर 117 आ जाता है। ठीक है, तो अब बताइए फिर 100, अब यहां पर दिया हुआ है 16 और 32 48, माइनस 2 46 आ गया। तो हम लोग भी क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो 22 + 46 माइनस 2, मतलब कि आंसर जो हो जाएगा 66 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 66, मतलब कि 65 का जो ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। मतलब कि दोनों को जोड़ा है और 2 घटा दिया है, सब में वही किया है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 66, यानी कि 65 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। 66 नंबर भी आपका रीजनिंग का ही सवाल है। देखिए क्या कह रहे हैं 66 नंबर में, अनुपस्थित अक्षर का समूह, देखिएगा जेड ए डब्ल्यू बी, अब अगला जो है अनुपस्थित है, फिर है के एच और है फिर बी पी। तो ध्यान दीजिएगा क्या किया गया है, तो इसमें यहां पे देखते हैं तो -3 हुआ है और यहां पर देखते हैं तो -9 हुआ है। अब जरा बताइए कि -3 -3 -3 तो नहीं हो रहा है, नहीं तो यहां पर भी -3 होता। तो अब यहां से यहां पे क्या करें ताकि यहां से यहां में हो, तो -3, अब अगर हम यहां पे -5 करते हैं फिर -7 करते हैं तो आंसर मैच कर जाएगा। तो बताइए W में से -5 कीजिएगा तो R होगा, मतलब ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, अभी क्लियर नहीं है, ठीक है, तो R हो गया। अब इधर से देखते हैं अगर, ठीक है, तो A से B में +2 किया है और यहां पे +8 किया है, तो जब +2 हुआ है तो यहां +4 होना चाहिए और यहां +6 होना चाहिए। तो बताइए कि 2 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, B में 4 जोड़ेंगे तो 4 × 2 = 6, मतलब देखो गलती हुई ना, +1 हुआ है, +2 + 4 + 8, हाँ देखिए यहां पर हुआ क्या है, तो +1 ही ना हुआ है, फिर यहां +2 होगा, 2 का डबल +4 होगा, फिर +8 होगा, मैच करेगा, तो यानी कि यहां जो दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R और D, ऑप्शन D, तो 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। क्लियर है, तो 66 का ऑप्शन D। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 12 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 6 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि अलग अलग बैठे व्यक्ति एक दूसरे के समान दूरी पर हो। अब पंक्ति एक में कौन बैठा हुआ है, तो पी क्यू आर एस टी भी,
बैठे हैं और ये सभी दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं और पंक्ति दो में ए बी सी डी ई बैठे हैं और उत्तर की ओर मुंह किए, मतलब पी क्यू आर एस टी भी जो है सो दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं और ए बी सी डी ई उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं और दी गई सदस्य दी गई जानकारी के अनुसार पंक्ति में बैठा प्रत्येक सदस्य दूसरी पंक्ति के सदस्य की ओर मुंह किया हुआ है, मतलब कि आमने सामने मुंह किया हुआ है। तो चलिए अब इसको जरा बनाते हैं, 12 लोग हैं और दो समांतर पंक्तियों में बैठाना है हम लोगों को, है ना। तो चलिए पहला लाइन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, पहला लाइन देखिएगा, मेरे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो अब एक चीज तो पता है कि इन लोगों का मुख उत्तर की तरफ होगा और इन लोगों का मुख दक्षिण की तरफ। अब पी से भी तक ऊपर के पंक्तियों में बैठ रहा है और ए से लेकर के एफ तक इसमें बैठ रहा है। सर कैसे, क्लियर कर दिया था कि ए से लेकर के एफ तक का मुख उत्तर की तरफ है। तो पहला लाइन कह रहा है कि ए डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो ए कहां पे, तो डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो जैसे ही चार लोग नीचे हुआ तो आमने सामने सभी लोग तो बैठे हैं, तो ए कहां पे, तो ए डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब ना तो ए और ना ही डी पंक्ति के छोर पर बैठा है, अब दोनों में से कोई भी पंक्ति के छोर पर नहीं है, मतलब एक एक आदमी दोनों तरफ है। तो छह छह लोग हो गए कि नहीं हो गए। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, टी डी की ओर मुंह किए हुए है। अब टी का मुख किधर है, डी की ओर है, तो टी डी की ओर मुंह किए हुए, भी ए की ओर मुंह नहीं किए हुए है, मतलब कि भी यहां पर नहीं होगा। तो भी ए की ओर मुख नहीं किया हुआ है, मतलब भी को वहां नहीं बैठाना है। आगे कह रहा है और भी पंक्ति के किसी छोर पर भी नहीं बैठा हुआ है, मतलब भी छोर पर भी नहीं, तो यहां भी नहीं और यहां भी नहीं, मतलब भी यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, इन दो जगहों पर। अब फिर आगे कह रहा है कि भी टी के ठीक बगल में नहीं है, मतलब भी यहां पर भी नहीं होगा। तो फिक्स ना हो गया तब भी यहीं पर, क्योंकि भी ना ए के सामने बैठ सकता है, ना किसी छोर पर बैठ सकता है और ना टी के बगल में बैठ सकता है, मतलब भी का जगह फिक्स हो गया कि यही बैठेगा। अब बी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, तो बी किसी पंक्ति के एक छोर पर, तो बी यहां पर भी हो सकता है या बी यहां पर भी हो सकता है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो बी क्या कह रहा है कि बी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, बी और ई के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर बी यहां होता है तो ई को इसका मतलब यहां बैठाना पड़ेगा, तभी ना दो लोग होगा। और अगर बी यहां बैठता है तो एक दो के बाद आपको ई को यहां बैठाना पड़ेगा, तभी ना दो लोग होगा। तो बी और ई के बीच में दो लोग, अब कोई एक सही होगा। आगे क्या कह रहा है, ई भी की ओर मुंह किए हुए बैठे, ई क्या कह रहा है, ई भी की ओर मुंह किए हुए बैठा है, गलत है वहां पर, ई भी की ओर मुख नहीं किए हुए है, ये होगा। तो ई जो है भी की ओर मुख नहीं किए हुए, वहां नहीं लगाना होगा, गलत है वहां पर। तो इसका मतलब तब बी यहां हो जाएगा और ई यहां हो जाएगा। तो अब देखिए ई का मुख भी की ओर नहीं है, ई भी की ओर मुंह नहीं किए हुए, आर और क्यू के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। अब R और Q के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं और आगे कह रहा है कि R T के बगल में नहीं है, मतलब कि R यहां नहीं हो सकता, R यहां नहीं हो सकता, लेकिन R और Q के बीच में दो लोग, तो और कहीं नहीं, R ये होगा, एक दो के बाद Q यहां होगा। अब देखिए मैच कर गया कि R और Q के बीच में दो लोग और R जो है वो T के बगल में नहीं बैठा हुआ। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर R को यहां कैसे नहीं बैठा सकते, तो एक दो के बाद Q हो पाएगा, T बैठा हुआ है वहां पे। आगे क्या कह रहा, सी भी की ओर मुंह किए हुए, समझ गए ना, गलत हो गया ना, यहां कह रहा था कि ई का मुख भी की ओर है, सी भी की ओर मुंह किए हुए है, तो सी भी की ओर मुंह किए हुए नहीं बैठा है। तो सी अगर भी की तरफ मुख करके नहीं बैठा है तो इसका मतलब है कि सी कहां पे हो जाएगा, सी यहां पे हो जाएगा। अब एक व्यक्ति बच कौन गया है, एफ। आगे क्या कह रहा है, पी आर के बगल में नहीं बैठा है, तो P यदि R के बगल में नहीं बैठेगा तो P यहां बैठ जाएगा। अब कौन बच गया है, P Q R S T V, तो S बच गया, हो गया सेट हो गया। अब इस पे सवाल देखते हैं, तो सवाल क्या पूछा गया है 73 नंबर में, देखिएगा बताइए 73 नंबर में पूछ रहा है कि T और S के बीच कितने सदस्य बैठे हुए हैं। तो बताइए कि T और S के बीच में, तो T और S के बीच में कितने सदस्य बैठे हुए हैं, तो दो सदस्य बैठे हुए हैं। तो T और S के बीच में दो सदस्य बैठे हुए हैं, 73 का आंसर A हो जाएगा, 73 का आंसर A हो जाएगा। तो चलिए जरा इसको लिख लीजिए आप लोग फास्ट, ये आपका अरेंजमेंट हो गया। तो एक लाइन वहां पे एरर था,
समझ गए, उसको सही कर लीजिएगा कि ई भी की ओर नहीं बैठा है। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। आपसे कह रहा है कि स्कूल में ठीक से व्यवहार ना करने वाले छात्र अपना और स्कूल का नाम बदनाम करता है। स्कूल में ठीक से व्यवहार ना करने वाला छात्र अपना और स्कूल का नाम बदनाम करता है। कह रहे हैं ऐसे छात्र को स्कूल से निकाल देना चाहिए, तो बिल्कुल सही। दूसरा, कड़ा अनुशासन छात्रों के व्यवहार को नहीं सुधार सकता, तो गलत। तो केवल एक निष्कर्ष उत्पादन, मतलब कि 81 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राशि, एक आदमी पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। मान लो कि वो 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ गया, फिर वह 120 डिग्री दाईं ओर मुड़ करके, तो आपको पता है कि 120 डिग्री जब वो दाईं मुड़ेगा तो ये दाईं 90 डिग्री हो गया और 30 डिग्री के आसपास ये हो गया। तो वह व्यक्ति क्या किया, 120 डिग्री दाईं मुड़ करके फिर वो क्या करता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो 5 किलोमीटर वो इधर चला और 5 किलोमीटर 120 डिग्री दाईं मुड़ा। ठीक है, फिर वह 120 डिग्री दाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है, तो फिर वह दाईं ओर मुड़ता है यहाँ से 120 डिग्री ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से 120 डिग्री ये क्या हो जाएगा, 90, और 30 जो हो जाएगा तो 120 डिग्री ये हो जाएगा। तो 120 और 120 ध्यान दीजिएगा तो 240 हो गया, तो बचा कितना, 120 डिग्री पे। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ता है और 5 मिनट चलता है। प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष वह कहां पे है, तो वह यानी कि वह प्रारंभिक बिंदु से कहां पे है, तो प्रारंभिक बिंदु पर ही होगा वो 5 5 5 करके। वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर ये नहीं होगा, कहीं कैसे, क्योंकि पूर्व की तरफ कोई आदमी अगर गया, शुरुआत कहां कर रहा है, वो शुरुआत कर रहा है वो पूर्व की तरफ। देखो इसको बनाने का सही आंसर क्या आना चाहिए वो सीखो। तो शुरुआत वो पूर्व की तरफ, एक आदमी पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह 120 डिग्री दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर जाता है, वह फिर से 120 डिग्री दाएं मुड़ता है, मतलब वह 240 डिग्री दाएं मुड़ा। तो 180 डिग्री में कोई किसी का भी फेस क्या हो जाता है, ध्यान से अगर देखिएगा तो 180, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर हम गए, अब यहां से 5 किलोमीटर फिर आए, तो 220 डिग्री तो ये नहीं हुआ, 120 डिग्री तो ये हुआ नहीं, तो चलो यहां पे ऑप्शन तो दे नहीं रहा है, तो हम क्या कर देंगे, प्रारंभिक बिंदु, लेकिन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, समझ गए। तो 82 का आंसर डी हम ऑप्शन बेसिस पे तो कर देंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं हुआ। तो खैर चलिए, एक आध क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, उसको इग्नोर करके चलना है। अब देखो ये, अब इसकी बात करें तो इसमें कौन सा फिगर एडजस्ट करेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन सा फिगर एडजस्ट करेगा, तो यहां से एक लाइन ऐसे आएगा और दो सर्कल ऐसे, मतलब कि डी नंबर। तो बताइए कि 86 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, होगा ना।
यही ना होगा, क्योंकि तिरछा लाइन तो कभी हो ही नहीं सकता, तिरछा लाइन कभी हो ही नहीं सकता, वो स्ट्रेट होगा जब भी होगा। तो डी नंबर आंसर ठीक है। 86 के बाद 87 नंबर देख लो, ऐसे सवाल मैंने पिछले सेट में भी बताया हुआ है। तो देखिए क्या कह रहा है, तो इसमें अब एस ग्रेटर देन पी, तो देखिए तो एस तो पी से बड़ा है ना, एस की तरफ मतलब कि एस क्यू से बड़ा है और पी क्यू बराबर है। मान लो कि हम आप बड़ा हैं और आपसे कोई बड़ा है, मतलब हमसे भी बड़ा होगा, मतलब सही कह रहा है। अब वी और क्यू की बात कर रहा है, अब क्यू से बड़ा एस है, मान लीजिए कि हमसे बड़े आप हैं, अब आपसे जो बराबर होगा वह भी हमसे बड़ा होगा, तो वी क्यू से बड़ा है तो बिल्कुल सही है। पी वी से छोटा है, तो देखिए तो पी की तरफ ये दिया हुआ है ना, जब एक ही तो पी वी से छोटा है तो बिल्कुल, मतलब कि सभी निष्कर्ष सत्य हैं, तो 87 का आंसर डी हो जाएगा। याद रखिए जैसे कि ये और ये दिया हुआ रहे, तीनों अब एक ही तरफ का है, मतलब कि वैल्यू किसकी हो जाएगी, इसकी, वो हर जगह दिया हुआ है पी की तरफ। अब बीच में क्या है, यही तीन सिंबल है, चाहे आप इसकी बात करो इसकी बात करो, जैसे ही ये आ गया तो वैल्यू इसी की होगी, मतलब तीनों सही। 87 का अगला सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि ये एक क्या है, ये एक तरह का चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज को अगर मिला देते हैं तो इसमें 8 त्रिभुज बनते हैं, कितने 8, और इसमें कितने बनते हैं 3। ये दो चीज यहां पे दिख रहा है, अब कैसे तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी, मतलब इसमें कितने त्रिभुज, 8 त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 8 त्रिभुज बनेंगे। ये क्लियर हो गया, ये आपका क्लियर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तो क्लियर 8 त्रिभुज वहां से बन गया। 8 के बाद जरा ध्यान दोगे अगर आप, तो 8 के बाद अगर ध्यान दोगे तो 8 के बाद देखिए इसके अंदर में दोनों तरफ त्रिभुज, फिर इसके अंदर में दोनों तरफ त्रिभुज, फिर इसके अंदर में दोनों त्रिभुज बराबर, मतलब 8 + 6, दो ये दोनों, दो ये दोनों और दो ये दोनों, 8 + 6, 8 = 6, 14, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। ये तीनों में कॉमन है, हो गया कि नहीं हो गया। अब चलिए जरा ध्यान देखिए, तो ये तो समझ गया 8 से 14 = 15, उसके बाद तीन वाले कितने हैं वो ध्यान दे दो। तो तीन वाले कितने हैं, तो जरा सा ध्यान देना, तो तीन वाला एक यहां बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर देख लो तीन वाला एक इस तरफ बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर उसके बाद तीन वाला एक यहां पे बन रहा है, लेकिन दो ही होगा, फिर तीन वाला एक यहां पे बन रहा है, तो तीन वाले कितने बन रहे हैं, 4, तो 12 हो जाएगा, तो 12 में से 2 घट जाएगा, तो प्लस कितने हो जाएंगे, 10। तीन वाला देखिए 1, तो 1 उधर, फिर 2, तो 1 इधर हो गया, 2 इधर, तो 2 उधर, 4 + 12, लेकिन ये त्रिभुज दोनों में कॉमन हो जा रहा है, तो 10 ही लेंगे, 25 हो गया। अब इसके बाद देखो, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिया हुआ है, अब 25 के बाद देखो, 25 के बाद एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, फिर उसी तरह से देखो यहां पर ध्यान से देखना, तो दो त्रिभुज ये हो गया, जोड़ दो, दो के बाद एक यहां से जो तीन त्रिभुज बन रहा है ये काउंट नहीं हुआ है, एक तीन त्रिभुज यहां पे बन रहा है, उसके बाद चलो जोड़ते जाओ पहले, तीन त्रिभुज ठीक है, और उसके बाद कहां बन रहा है, कितने त्रिभुज है, उसके बाद देख लो, आठ से चौदह एक पंद्रह कितना हो गया, अभी तक टोटल कितना हो गया, चौदह एक पंद्रह दस पच्चीस तीन ठीक है, तो कितना हो गया, 8 से 14 = 1, 15 + 10 = 25, और 5 = 30 त्रिभुज बन गया। 30 के बाद और कहीं पे
20 के बाद एक इधर से इस रेखा पे, तो फिर इस रेखा पर भी एक इधर से बनेगा और फिर इस रेखा पर भी, मतलब 33 और तीन त्रिभुज और बनेंगे 33। जैसे ही आ गया तो हम आंसर क्या करेंगे 36, क्योंकि तीन त्रिभुज और भी बन रहा है। ठीक है, 33 तो आपने देख लिया, 33 तो बन रहा था, कैसे कैसे तो ध्यान देख लो। 8 त्रिभुज यहां पे बना था, देख लो 8 त्रिभुज यहां पर, प्लस 6 त्रिभुज इस बड़े वाले में, प्लस 1 त्रिभुज पूरा बड़ा वाला, प्लस 10 त्रिभुज ये तीन वाला, प्लस उसके बाद 3 त्रिभुज आपको यहां पे बन रहा था। ठीक है, प्लस 2 त्रिभुज इधर से, देख लो 2 त्रिभुज किधर से, तो यहां पर बन रहा था, इधर गया, एक त्रिभुज यहां से इधर बन रहा था और एक त्रिभुज यहां से इधर, तो प्लस 2 किए थे तो कितना हो गया 8 6 14 15 10 25 5 30 हो गया था। 30 के बाद, ठीक है, 30 के बाद देखें तो 30 के बाद त्रिभुज बन रहा है इस बेस पे, ये काउंट नहीं हुआ था क्योंकि ये वाला काउंट हुआ था, हाँ काउंट हो गया है वो, 30 तो खैर बन रहा है, तो खैर 30 के बाद और भी 6 त्रिभुज बन रहे हैं। खैर चलो 30 के बाद मुझे नहीं लगता कोई और बनेगा, इसका आंसर 31 होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर 31 छोड़ दीजिए, 88 का आंसर डी होगा क्योंकि उसके बाद कहीं त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, 36 गलत दे रहा है। ठीक है, चलो फिर 88 के बाद आते हैं 89 नंबर। 89 नंबर में देखिए ये क्या है, जल प्रतिबिंब बन रहा है, ये क्या बन रहा है तो जल प्रतिबिंब, यहां पर भी जल प्रतिबिंब, यहां पर भी जल प्रतिबिंब, मतलब कि भिन्न असंगत कौन है, तो 96 का आंसर बी हो जाएगा। 96 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक और सवाल है इस पे, लास्ट सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए गुना 2 प्लस 1 17, फिर गुना 2 प्लस 1 35, तो हम लोग भी क्या करेंगे, गुना 2 प्लस 1 मतलब कि 71 हो जाएगा, कितना 71, मतलब कि 100 का ऑप्शन ए, 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो चलिए सेट नंबर 2 कंप्लीट हुआ, हम लोग बहुत जल्दी सेट नंबर 3 में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय सभी को।